हाय गाइस, फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज हो रही है इंडिया में, हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है द जेंटलमैन। आई वांट यू टू प्ले अ गेम विद मी, राइट? आई डोंट वांट टू प्ले अ गेम। ओह प्लीज। नो। आई सेड प्ले अ गेम विद मी, राइट? मैन। राइट। लवली। इट्स अ फिल्म डायरेक्टेड बाय गाय रिची एंड इट इज अ मल्टी स्टारर, इट्स एन एनसेम्बल कास्ट और इसमें बहुत सारे महान हॉलीवुड के कलाकार हैं, जैसे कि स्टार्टिंग विद मैथ्यू मैकॉनहे, देन देयर इज कॉलिन फेरल, देन देयर इज ह्यू ग्रैंट हु इज द जॉन ऑफ दिस फिल्म एंड ऑल दीज मेन हैव कम टुगेदर। इट्स नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू सी देम ऑल टुगेदर ऑन द बिग स्क्रीन एंड देयर क्रिएटिंग वन हेल ऑफ अ रायट। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स के फैन हो तो दिस इज अ फिल्म यू शुडंट मिस। वेल, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आपको रिव्यू में बता ही दूंगा मैं ऑफकोर्स, लेकिन आई एम श्योर मेरी चैनल जो भी फॉलो करते हैं वो ज़्यादा हॉलीवुड फिल्में इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, दे ऑलवेज फॉलो बॉलीवुड फिल्म्स वेरी रिलीजियसली जस्ट लाइक आई डू। लेकिन इस फिल्म का रिव्यू मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी लिखना है अभी और इसीलिए मैंने ये फिल्म देखी, द जेंटलमैन, हॉलीवुड की जो फिल्म है, एंड आई एम सो ग्लैड आई वॉच्ड इट क्योंकि आई केम आउट थरली एंटरटेन and pleasantly surprised. The Gentleman का मेरा positive review देखने के बाद I'm sure a lot of you, if interested, will go and watch the promo of the film also. लेकिन let me warn you, the promo of this film doesn't do justice to just how entertaining and how great this film is. Well, as far as genre goes, it's a dark action comedy. Dark comedies are a very tricky genre, like I always say, and Hollywood sometimes gets it right. Bollywood के लिए तो it's a very nascent genre and they I don't think they've got it right so far. They tried something in Blackmail, जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी. A lot of people found it very funny though. But in this movie, it comes in the form of less action, but a lot more witty, irreverent humor. ये एक ऐसी फिल्म नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे, आप पॉपकॉर्न खाओगे और आप मोबाइल में भी देखोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे आपको सब समझ में आ जाए और आप एंटरटेन हो. नहीं, दिस इज़ अ फिल्म दैट रिक्वायर्स योर फुल अटेंशन एंड यू विल गिव इट अटेंशन इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दीज कैरेक्टर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग. Because they will crack you up with the kind of humor they bring to the table. His name is Fahak. It's spelled with a PH, so it sounds like Fahak. Please! Alright, Fahak, come to Fahak. Please! And it is dark humor, so it is humor with a straight face. And the man who leads them all is Hugh Grant. Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. Hugh Grant एक बहुत ही मंजे हुए ब्रिटिश कलाकार है एंड ही इज सो एफर्टलेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ फ्लेचर, दिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर. वो एक ड्रग लॉर्ड के पास जाते हैं उनकी सारी फाइंडिंग्स लेकर अगेंस्ट दिस ड्रग लॉर्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्क्रीन प्ले एंड दैट पर्टिकुलर प्लॉट इटसेल्फ इज वेरी हिलेरियस. इमेजिन अ कैरेक्टर, योर बॉस मिकी पियर्सन, यू आर टू स्मार्ट टू बी ब्लैकमेलिंग अस फ्लेचर. और जैसे जैसे वो ये स्क्रीन प्ले नरेट करते हैं टू अनदर ब्रिटिश एक्टर हु इज़ इक्वली चार्मिंग, हिज नेम इज़ चार्ली हुनाम एंड आई डोंट नो व्हाई ही रिमाइंडेड मी ऑफ अन्ना, सुनील शेट्टी. उनका जो स्वैग है इस फिल्म में, इट्स एग्जैक्टली लाइक हिम एंड लुक्स आल्सो लाइक हिम एंड द काइंड ऑफ पॉइज एंड रिस्ट्रेंट दैट ही हैज, जस्ट अमेजिंग टू वॉच ऑन बिग स्क्रीन. दोनों के बीच के जितने भी एक्सचेंजेस और सीन्स हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म. देयर इज ऑल्सो अ स्लाइट सेक्सुअल टेंशन बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स, बिटवीन ह्यू ग्रैंट एंड चार्ली हुनाम्स कैरेक्टर, एंड इट्स हैंडल्ड सो क्लासीली, इट्स नॉट एट ऑल क्रास, इट जस्ट एड्स मोर क्वर्कीनेस टू द प्रोसीडिंग्स. ह्यू ग्रैंट के अलावा कॉलिन फेरल, मैथ्यू मैकॉनहे, ऑल ऑफ दीज एक्टर्स डिलीवर डिलिशियसली रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस. फिल्म की लेंथ इज लेस देन 2 hours एंड आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट. एंड यू गाइज नो मी, आई लाइक मसाला एंटरटेनर्स, आई लाइक स्लैपस्टिक कॉमेडीज, आई लाइक एक्शन एक्स्ट्रावेगेंजास ऑल्सो, आई गिव ऑलवेज रेट देम हाई एंड दिस इज नॉट इवन वन ऑफ दोज. But the writing is so strong, the characters are so well written and the story of course is well written and the performances are so great that every joke, every pun just hits home. इसीलिए ज़्यादातर reviewers हमेशा कहते हैं ना कि it's all about the writing, writing of the characters, writing of the stories, writing of the screenplay and this is the kind of film that brings it all together brilliantly. So you killed someone? No, it was the gravity that killed him. So if you want to enjoy some good cinema with great writing, with some really cool ace actors, then The Gentleman is the kind of film that you should be watching this weekend. There is only Jawani Jaane Man which is coming from Bollywood, but Hollywood ki kai sari filmein aa rahi hai. Usme se maine ek dekhi hai. Please also do catch my review in the Times of India. It will be out soon. I'll be pasting the link in the comment section or in the description. All the Hollywood, Bollywood films that I've reviewed, I would really love to know आपका reaction for this film after watching my review. अगर आप जाते हो देखने के लिए तो मैं stars देना तो भूल ही गया था जेंटलमैन को. I'm going with 4 stars out of 5 for The Gentleman.